अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर आप आए, मैं मेरा साथ दिया और मैं जिस तरीके से मैंने अपने आगाज़ किया था 3 महीने पहले कुछ शहर में इनकलाबी काम करने के, ये भी काम एक इनकलाबी होने का एक मुतरादिफ है। और सूबाई गवर्नमेंट ने स्पेशली मैं कहूँगा कि वज़ीर आला साहब का एक टारगेट ये था कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इंट्रोड्यूस किया जाए। काफ़ी अरसे से यह मामला चला था लेकिन इसको सीरियस तरीके से किसी ने टेकअप की ही नहीं है। देखिए, कोयटा की अब हमारी मजबूरी बन गई है, इसको लॉन्च करने में मैं पिछले 1 महीने से मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर सक्सेसफुल रहा हूँ। ये मशीन जो फैक्ट्री है पिछले कोई 1.5 साल से ये बंद पड़ा था और हमारे रिक्वेस्ट पे इन्होंने वापस को खोल दिया, लेकिन ये इस पोजीशन में भी नहीं थे क्योंकि कई दफ़ा इस तरह हुआ, इसका काफ़ी लॉस हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हमने इनको इंश्योर किया। और मैं ख़ासकर अंजुमन ताजरान का और शहर में जितने शॉप्स है प्लास्टिक एसोसिएशन का मैं स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दफ़ा इन्होंने मेरा साथ दिया और अब ये हमने लॉन्च किया है। देखें, दुकानदारों से पिछले 1.5 महीने से मैं नेगोशिएशन पे हूँ। इनिशियली मुझसे इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था और उसके बाद महीना हुआ, फिर 15 दिन फर्दर इन्होंने मांगा, वो टाइम उनका कम्प्लीट हुआ। इन्होंने बहुत हद तक अपने मामलात और जितने प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ किए, मैंने पहले किए जितने भी गोडाउंस थे। और मेरा अर्गेज़ मकसद ये नहीं कि उन गोडाउंस वालों को नुकसान देना है, लेकिन उनका नुकसान का मजाला करेंगे। और ये चीज़ मेरे ज़ात के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए, हमारे नस्लों के लिए। और आप देखते हैं कि लोग शॉपर्स अपने नालियों में फेंकते हैं, ये प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि ये हज़ारों साल तक ये ख़त्म ही नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल के ये है कि आप जैसे इसको यूज़ करते हैं उसके बाद ये खुद ही मेल्ट हो जाता है और ये माहौल के लिए बहुत बेहतर है। अब शुरू करना है मार्केट में अवेलेबल, इसका सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में कल से अवेलेबल नॉर्मल प्लास्टिक्स नहीं होंगे और लोगों को यही ख़रीदना पड़ेगा। और लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी कीमत सेम है, 1 kg में 20 रुपये या 15 रुपये का डिफरेंस होगा। इसमें 1 kg की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। सबसे बड़ा इफेक्ट इस पे माहौल पे बहुत बेहतर इसका इफेक्ट पड़ेगा।